हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सनई के फूल का चोखा। तो सनई के फूल का चोखा बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम सनई का फूल लिया है। फूल को मैंने पहले ही अच्छी तरह से साफ कर लिया है और कुछ डंठल मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है कि इसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे। तो जो डंठल में फूल और कलियां लगी होंगी इसको हम तोड़ लेंगे और डंठल को हम अलग कर देंगे। तो इसी तरीके से हम सारे फूल को साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से धोएंगे। तो मैंने यहाँ फूल को अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हम फूल को डालेंगे। फूल डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। तो पानी हमें इतना डालना है कि फूल हमारा अच्छी तरह से डूब जाए। पानी डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक ताकि फूल जल्दी से गल जाए। नमक डालने के बाद इसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम चढ़ाएंगे चूल्हे पे और इसको हम ढक करके 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। तो लगभग 10 मिनट हो गए हैं। चलिए चेक कर लेते हैं कि फूल पका है या नहीं। अगर फूल नहीं पका होगा तो 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो यहाँ फूल जो है पक चुका है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और फूल को हम एक छन्नी में छान लेंगे। तो मैंने यहाँ फूल को छान लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में रख देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो इसको हम थोड़ा सा फैला देंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो। तो जब तक फूल ठंडा हो रहा है तब तक चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे तवा। तवा अपना गर्म होता रहे तब तक इधर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, 3 से 4 हरी मिर्च ले लेंगे और 3 से 4 ले लेंगे लहसुन की कलियां। तो मैंने यहाँ बड़ा वाला लहसुन लिया है तो मैंने 3 लिया है। अगर आप छोटा वाला लेते हैं तो 6 से 7 कलियां ले लें। तो सबसे पहले जीरा और सूखी लाल मिर्च को हम भूनेंगे क्योंकि जीरा और सूखी लाल मिर्च जो है बहुत जल्दी भून जाता है। तो इसको हम भून करके निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। तो हरी मिर्च का आगे का हिस्सा हम तोड़ देंगे, वरना क्या होता है जब हरी मिर्च पकता है तो फटने लगता है। तो तोड़ने से क्या होगा कि मिर्च जो है अच्छी तरह से पक जाएगा और फटेगा भी नहीं। तो यहाँ लहसुन और हरी मिर्च भी पक गया है तो मैंने इसको भी निकाल लिया है। अब यहाँ फूल भी ठंडा हो चुका है तो अब इसको हम डालेंगे एक मिक्सी के जार में। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने मसाला तैयार किया है। तो मिर्च का हम डंठल अलग कर लेंगे और लहसुन को हम छील लेंगे। पका हुआ लहसुन है तो बहुत ही आसानी से ये छील जाता है। मिर्च आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर ज़्यादा तीखा पसंद हो तो मिर्च बढ़ा सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ तीनों लहसुन को छील लिया है। अब इसको हम डालेंगे फूल के साथ जार में और इसको हम बिना पानी का पीसेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो 1 से 2 चम्मच जार में हम पानी डालकर पीस लेंगे। अगर नहीं ज़रूरत पड़ी तो इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल हमें इसे सूखा ही पीसना है। तो मैंने यहाँ इसको पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि उबालते समय भी हमने इसमें नमक डाला है। तो मैंने यहाँ 1.5 छोटी चम्मच नमक डाला है। नमक डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन इसको हम ज़्यादा स्वादिष्ट बनाएंगे तो इसमें हम लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने चूल्हे पे चढ़ाया है एक पैन और इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल लगभग 3 से 4 चम्मच। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग सरसों। जब सरसों दाना चटक जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 सूखी लाल मिर्च और 1/4 चम्मच डाल देंगे हम हींग। हींग से क्या होता है कि इसका स्वाद भी बढ़ेगा और पेट के लिए भी अच्छा होता है, तो ज़रूर डालें। अगर ना पसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो तड़का को हम डालेंगे चोखा में और इसको हम मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, चोखा हमारा बन करके तैयार है। काफ़ी टेस्टी और हेल्दी चोखा बना है। आप इसे दाल चावल के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।